हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एक्ट से रिलेटेड हैं। एक्ट में मैंने आपको बताया था कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 3 एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी एक्ट 1989 एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, एंड थर्ड था हमारा ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ये 3 एक्ट हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी जो हैं टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, 5 to 10 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 2014, 2015, 2016 एंड इसके अलावा 13 के भी क्वेश्चन हैं कुछ। तो इससे आपको एक थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप उस टाइप पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो जिसमें जो क्वेश्चंस अपन देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना किस टाइप का है, कैसे क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तीनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस इससे आते हैं और अगर कम होते हैं तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसएससी एक्ट 1989 प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम पनिशमेंट ऑफ, ये 2014 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट यानी जो सरकारी अधिकारी है एसएससी एक्ट के अंदर कुछ ऐसा ऑफेंस करता है जो कि एसएससी एक्ट के अंदर क्या है, पनिशेबल है, यानी उसे कुछ गलत तरीके से ट्रीट करता है उन मेंबरों को जो भी करता है, तो उसके लिए क्या है, उसे कम से कम कितने वर्ष की सज़ा दी जाएगी, ये पूछा गया है। कितने वर्ष या कितने मंथ की उसको मिनिमम सज़ा दी जाएगी। तो ऑप्शन ए है 3 months, 6 months, ऑप्शन 3 है 1 year या फिर नन ऑफ द अबव, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में एसएससी एक्ट के कि जो हमारा सेक्शन 3 है उसमें लिखा गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा कार्य करता है जो कि इसके अंदर पनिशेबल है तो उसे कम से कम 1 year यानी मिनिमम 1 साल की सज़ा क्या होगी, सुनाई जाएगी। तो आपको उसमें टिक करना है आंसर क्या है हमारा, 1 year। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनीज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 का ही है ये भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस करती है, कोई भी अपराध करती है, तो उस कंपनी का कौन सा मेंबर होगा जो इस ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी जिसको जिसके जो अंगेंस्ट में कोर्ट में अपील की जाएगी और किसके नाम पर यह केस दर्ज होगा, तो उन सब का जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर होता है वो कौन होगा कंपनी का, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए था डायरेक्टर, देन मैनेजर, सेक्रेटरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सिविल राइट्स एक्ट में कि अगर कोई भी कंपनी ऐसा ऑफेंस करती है जो कि इसके अंदर पनिशेबल है, छुआछूत से रिलेटेड कार्य करती है, तो उस कंपनी का या तो डायरेक्टर या तो कोई मैनेजर होगा किसी कंपनी में, तो या तो मैनेजर या तो सेक्रेटरी, यानी ये तीनों किसी भी कंपनी के जो रहेंगे, किसी एक कंपनी में या तो डायरेक्टर होता है या तो मैनेजर होता है या तो सेक्रेटरी होता है, तो ये तीनों है, तो आपको आंसर करना ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज इम्पॉवर्ड फॉर इम्पोजिशन एंड रियलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव फाइन अंडर एससी एक्ट 1989, यानी एससी एक्ट के अंदर जो कलेक्टिव फाइन करने का अधिकार होता है, इम्पोज करने का, वो किसको दिया गया है, किसके पास इसका पावर है। तो मैं इसमें ऑप्शन थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशल कोर्ट या हाई कोर्ट। ज़्यादातर लोग स्पेशल कोर्ट में आंसर लगा के आए थे जो कि गलत है। मैंने आपको क्लियर बताया था कि एसएससी एक्ट के अंदर कलेक्टिव फाइन इम्पोज करने का अधिकार सिर्फ किसको होता है, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट को होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन ऑफेंस कमिटेड अंडर एसएससी एक्ट शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो दी रैंक। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई भी ऑफेंस यानी अपराध होता है एसएससी एक्ट के अंदर, तो वो उसकी जांच करने का अधिकार किस ऑफिसर को दिया जाएगा, यानी जो पुलिस ऑफिसर होगा उसकी मिनिमम रैंक कितनी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरटेंडेंट एंड डी सुपरटेंडेंट। तो मैंने आपको एसएससी एक्ट में बताया था कि अगर कोई भी
अपराध होता है तो उसकी जांच करने का अधिकार कम से कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट रैंक के ऑफिसर को दिया जाएगा, उससे नीचे के ऑफिसर को नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्टेट गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई ए कोर्ट ऑफ सेशन टू बी ए स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंसेस अंडर द एससी एक्ट 1989 विद द अकॉरेंस ऑफ, यानी जो राज्य सरकार है वो किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे सकती है किसके लिए, जो एससी एक्ट के अंदर ऑफेंस हुए हैं, अपराध हुए हैं, उन मामलों की सुनवाई के लिए उस कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे सकती है राज्य सरकार विद द अकॉरेंस ऑफ, यानी किसकी मदद से। तो चार ऑप्शन थे, गवर्नर, बी था हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सेशन जज ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, सेशन जज ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, एंड डी था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो आपका मैंने बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसकी मदद से ही राज्य सरकार जो होगी वो एक किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट दे देगी उन मामलों को जल्दी से सुनवाई करने के लिए, उन मामलों के लिए। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, यानी जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या नन ऑफ द अबव। तो मैंने हमको बताया था कि जब अपन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो उसके चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी, गवर्नर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी चेयरपर्सन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि एक कमेटी बनती है जो कि चेयरपर्सन और मेंबर्स के डिसाइड करती है कि ये बनाए जाएंगे और उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है नेशनल में। तो उस कमेटी का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है ये पूछा गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द कमिटी, यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसका मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन क्या थे, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का स्पीकर, बी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सी लीडर ऑफ अपोजिशन इन हाउस ऑफ पीपल, एंड डी लीडर ऑफ अपोजिशन इन हाउस ऑफ स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आता है, ना कि चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अगर आपने ऐसे ऐसे एक पढ़ा है मेरे वीडियो में तभी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया है ये 2013 के हैं ये वाला, तो आप ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसकी तैयारी इस व्यू में करनी है कि काफ़ी पॉइंट्स जो हैं आपके क्लियर होने चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्पेशल कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज अंडर एससी एक्ट 1989, यानी इनमें से कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको स्पेशल कोर्ट को नहीं दिया गया है या फिर वो उसका यूज़ नहीं कर सकती। तो फर्स्ट हमारा टू रिमूव ए पर्सन, तो ये तो कर सकती है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसा कार्य करने वाला है जो कि मतलब उस क्षेत्र के लिए हानिकारक है तो वो उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से हट जाने का तुरंत आदेश देती है, तो ये तो सही है। फिर संपत्ति जब्त करने का अधिकार, ये भी मैंने आपको बताया था सेक्शन 7 में इसको अधिकार होता है स्पेशल कोर्ट को। थर्ड टू टेक मेजरमेंट ऑफ पर्सन, इसका अधिकार भी होता है। और डी था टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन, मैंने आपको अभी बताया कि कलेक्टिव फाइन इम्पोज करने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को होता है ना कि स्पेशल कोर्ट को। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी। अगला है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, यानी आर्टिकल 17 में किसका प्रावधान है, एजुकेशन, हेल्थ, अनटचबिलिटी या फूड गारंटी। मैंने बताया था एबोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी का प्रावधान है आर्टिकल 17 में, छुआछूत। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल 17 जो है वो मैक्सिमम पूछा जाता है, छुआछूत से रिलेटेड है क्योंकि, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसे मार्क करके आप रीड भी कर सकते हैं और इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो पहला था हमारा 5 ईयर, देन 2 ईयर, 3 ईयर या 1 ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स जो हमारा कमीशन है उसका टेन्योर 5 ईयर का होता है। तो
इसका आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन हमारा, SC ST एक्ट में कितने चैप्टर्स एंड आर्टिकल्स हैं? यहाँ पे ऐसा आएगा, सॉरी, SC ST एक्ट के अंदर कितने चैप्टर आर्टिकल्स हैं? तो इसमें ऑप्शन थे 4 चैप्टर 22 आर्टिकल्स, 3 चैप्टर 21 आर्टिकल्स, 2 चैप्टर 15 आर्टिकल्स या 5 चैप्टर 23 आर्टिकल्स। जब मैं आपको SC ST एक्ट पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने आपको टोटल चैप्टर बताए थे कि इसमें 5 चैप्टर हैं और टोटल 23 आर्टिकल्स हैं, और यही क्वेश्चन मैक्सिमम कंफ्यूज करते हैं क्योंकि किसी भी एक्ट से ये पूछ सकता है। तो आपको तीनों जो हमारे एक्ट हैं उन तीनों में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने चैप्टर हैं, आपको पूरा याद होना चाहिए, क्लियर, कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, अदरवाइज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही हमारे गलत हो जाते हैं, छोटे छोटे, और हम एक नंबर से रह जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। मैंने आपको बताया था SC ST एक्ट में 5 चैप्टर हैं, टोटल 23 आर्टिकल्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेस आर सिक्योर अंडर विच आर्टिकल ऑफ SC ST एक्ट? तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे ST होगा। तो जो राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेस है वो किस आर्टिकल के अंदर उनका प्रावधान दिया गया है? तो मैंने इसके ऑप्शन थे 14, 15A, 15 या 9 ऑफ द अबव। तो जब मैंने आपको SC ST एक्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था Part 4A में, यानी Chapter 4A में और Article 15A में राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेस का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2013, 14, 15, 16 और 17 से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, क्वेश्चंस। इसके आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ही MPPSC प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल मेक वीडियो अबाउट दैट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।